जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम पढ़ रहे हैं मिक्स कोडिंग के बारे में। मिक्स कोडिंग के बारे में हमने पिछला एक लेक्चर पिछला में बनाकर डाल चुका हूँ। आज मिक्स कोडिंग का दूसरा लेक्चर होगा। जो रेगुलर देख रहा होगा हमारा वीडियो मिक्स कोडिंग का, उसे तो 100% उसको समझ में आएगा। अगर जो नया व्यक्ति है और हमारा जो चैनल को देख रहा होगा मिक्स कोडिंग को, तो उसके लिए अगर वो हमारा पिछला वाला वीडियो जाकर देख ले तब इस वीडियो को देखे, तो उसको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा मिक्स कोडिंग को। मिक्स कोडिंग से लेकर उसे किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अगर हमारा वीडियो और हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आए, तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए हम देखते हैं मिक्स कोडिंग में कुछ एग्जाम्पल को। देखिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरुआत में, लास्ट तक जाते जाते एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से लेकर। आइए हम देखते हैं। किसी निश्चित कोड में दिया हुआ है पानी दो का अर्थ है आई एम फाइन। किसी निश्चित कोड में पानी दो का अर्थ है आई एम फाइन। उसके बाद से रे दो का अर्थ है यू आर फाइन। उसके बाद से पा सा का अर्थ है एम यू गुड। तो निम्न में डू का कोड क्या होगा, आई का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा, इनका क्वेश्चन पूछा। पहले आप समझिए, मैं पिछला भी बताया हूँ कि मिक्स कोडिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि कॉमन खोजना पड़ेगा। जब आप कॉमन खोजना सीख जाएंगे तो मिक्स कोडिंग इतना आसान है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। बस कॉमन खोजिए, देखिए कैसे हल हो रहा है। पहले दिया है स्टेटमेंट पानी दो का अर्थ क्या है आई एम फाइन। आई एम फाइन उसके बाद से क्या दिया है रे डू का अर्थ है यू आर फाइन। यू आर फाइन उसके बाद से क्या दिया है पा सा का अर्थ है एम यू गुड। इतना दे चुका है एम यू गुड। अब देखिए, पहले आप कॉमन खोजिए। देखिए डू पानी दो, डू या दू, डू दो या डू पूछी पड़ी, पानी दो ये पड़ी, रे दो का माने रे डू का। देखिए इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक है ना, देख रहे कॉमन हमको मिल गया डू दो डो। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर फाइन है पहले सेंटेंस में, दूसरे भी सेंटेंस में फाइन है, यानी पहले यहाँ पर लिखिए दो दोनों में कॉमन था, तो यहाँ से लिख लीजिए और यहाँ से लिख लीजिए फाइन को। फाइन लिख दिए ना, डू डू का कॉमन क्या है फाइन, यानी डू का कोड हम क्या कर सकते हैं फाइन होगा या फाइन का कोड डू होगा। पहले कोड खोजिए, पहले कॉमन खोजिए, कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद से देखिए और कहीं कॉमन है, इसको ऐसे कर लीजिए, ये कॉमन हमको मिल गया, इसमें वही कर लीजिए, ये भी हमको कॉमन मिल गया, इतना हमको तो कॉमन मिल गया। अब ध्यान दीजिए पहले, अब देखिए कुछ और कॉमन देगा। देखिए पा इसमें भी है पहले सेंटेंस में, पा दूसरे सेंटेंस में, पा पहले सेंटेंस में भी है, पा दूसरे सेंटेंस में है। यहाँ पे देखिए एम पहले सेंटेंस में है, तीसरे सेंटेंस में, दूसरा कह रहे हैं तीसरे, पा पहले सेंटेंस में, फिर से तीसरे सेंटेंस में है पा। यहाँ पे देखिए एम पहले में भी है, तीसरे में है, तो यहाँ पर पा का कोड क्या होगा एम, पा का कोड एम मिल गया। जो कॉमन, देखिए मिक्स कोडिंग क्या है, कॉमन बस समझना है, कॉमन आपको देखना समझ में आ गया तो कॉमन पकड़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसके पास क्या दिया है, उसके पास क्या दिया है यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें के बाद देखिए और कुछ कॉमन दिया होगा का, देख रहे हैं इसमें भी का है, इसमें भी का है, दूसरे सेंटेंस में भी का है, तीसरे सेंटेंस में भी का है। अब देखिए क्या बचा हम लोग को, यहाँ पर फाइन मिल गया, एम मिल गया, अब देखिए का यू यू यू, यानी का कोड क्या मिल गया हमको यू मिल गया। पहले कोड निकालिए, का कोड हमको यू मिल गया। अब क्या बचा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए का इसमें देखिए, हाँ आई का कोड, देखिए पा का कोड हमको क्या मिल गया, तो पा का कोड हमको क्या मिल गया एम मिल गया, डू का कोड हम लोग को क्या मिल गया फाइन मिल गया, देख रहे हैं पा डू। इसके पास देखिए का कोड क्या मिल गया यू मिल गया। अब बचा हम लोग क्या है नी, यानी नी का कोड हम लोग को क्या मिलेगा, तो नी का कोड हम लोग को
आई मिलेगा, यहाँ पर देखिए बचा हुआ होगा, उसके बाद चलिए रे, रे का कोड यहाँ क्या मिलेगा, रे का कोड यहाँ पर आर बचा है तो आर होगा, उसके बाद देखिए सा बचा है तो सा का कोड क्या होगा, तो सा का कोड हम लोग का रे का कोड आर लिखिए, रे का कोड आर, उसके बाद देखिए सा का कोड क्या मिलेगा हमको, सा का कोड हम लोग को गुड मिलेगा, देख रहे हैं ना गुड। अब ध्यान दीजिए सबका हमने कोड निकाल लिया, इतना तो आपको समझ में आया होगा, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है, बस कॉमन सबने सबसे पहले मिक्स कोडिंग को साफ करते हुए मैंने क्या किया, मैंने कॉमन खोजा, कॉमन खोजने के बाद मैंने एक एक का जो कॉमन मिला उसका हमने कोडिंग कर दिया, जैसे पहले हमको डू मिला पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में, तो डू ले लिया, देखिए पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में हमको क्या मिला, फाइन मिला, तो फाइन ले लिया, यानी मैं कह सकता हूँ कि डू का कोड क्या होगा, फाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि डू देखिए ऊपर वाले में भी कॉमन है नीचे वाले में भी कॉमन है, ठीक है ना, फाइन देखिए ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए पा देखिए, पा पहले सेंटेंस में है तीसरे सेंटेंस में भी है, पा पहले सेंटेंस में है तीसरे सेंटेंस में, तो पा का कोड क्या होगा, देखिए पा उसके बाद देखिए पहले और तीसरे सेंटेंस में क्या कॉमन है, देख रहे हैं एम इसमें भी है एम इसमें भी है, देख रहे हैं ना एम इसमें भी है एम इसमें भी है, यानी पा का कोड क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, उतना हो गया। अब समझिए का, का देखिए यहाँ पर का, का पहले सेंटेंस में है दूसरे सेंटेंस में भी का है तीसरे सेंटेंस में भी का है, देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या होगा यू फिर से दूसरी यू, यानी का कोड क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब जो बचा होगा वही ना उसका कोड होगा, जैसे नी, नी का कोड क्या आई, यहाँ पर आई बचा है नी का कोड आई हो जाएगा या आई का कोड नी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए रे बचा है तो रे का कोड क्या आ जाएगा आर हो जाएगा, उसके बाद सा बचा है तो सा का कोड क्या आ जाएगा गुड हो जाएगा। सबका मैंने कोड निकाल लिया। अब देखिए अब आपको कितना भी क्वेश्चन पूछेगा कितना भी घुमा फिरा कर इतना आप निकाल लिए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, इतना जब आप समझ गए तो देखिए इसमें क्या पूछा है निम्न में डू का कोड क्या होगा, देखिए डू का कोड यहाँ पर मैंने क्या निकाला फाइन निकाला, फाइन कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्या पूछा है आई का कोड क्या होगा, तो आई का कोड यहाँ पर क्या होगा नी का कोड आई या आई का कोड नी, मिल गया हमको नी, एक एक लाइन में उत्तर होगा मिल रहा है। उसके बाद यू का कोड पूछा है, देखिए यू का कोड अभी कहीं निकाले होंगे हम, यू का कोड क्या होगा का होगा, दिया हुआ है, कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत हुआ, कुछ नहीं दिक्कत हुआ, बस आप कॉमन निकालना सीख गए और उसके बाद से क्या किया हर एक का कोडित कर दिए, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नए भी होंगे अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को उनको भी इतना बात समझ में आ गया, कुछ नहीं किया मैंने कॉमन लेकर सबको साल निकाल दिया, और जो रेगुलर देख रहा होगा उसको तो कोई प्रकार किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा होगा। आइए देखते हैं कुछ और इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चन बाकी रह गया, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। आइए इस एग्जाम उसी में से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो एग्जाम्पल दिया था उसी में से क्या दिया है यू यू फाइन एम गुड का कोड क्या होगा, यू फाइन एम गुड का कोड क्या होगा, ये पूछा है यू फाइन गुड का कोड क्या होगा, यू फाइन यू हाँ फाइन यू एम गुड का कोड क्या होगा, फाइन यू एम गुड का कोड क्या होगा, एम क्वेश्चन पूछा है, चार विकल्प दिया है। अब देखिए फाइन का कोड आपने क्या निकाला है, यहाँ देखिए फाइन का कोड हमने डू निकाला है, यहाँ देखिए उसके बाद से यू का कोड हमने क्या निकाला है का निकाला है, उसके बाद से देखिए एम का कोड क्या निकाला है पा निकाला है, एम का कोड पा निकाला है। अब देखिए गुड का कोड क्या निकाला है सा निकाले हैं, गुड का कोड सा, डू हाँ डू है का है डू है डू का पा सा, देखिए किसमें डू का डू भी है का भी है पा भी है सा है, यही विकल्प हमको मिला है कहीं में, हाँ हम लोग का कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें दूसरा वाला हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मैंने यहाँ पर सबका कोड निकाल दिया है, जैसे कि फाइन का कोड डू निकाल दिया, उसके बाद से यू यू का कोड हमने यहाँ पर का निकाल दिया, उसके बाद से एम
एम का कोड हमने क्या निकाला, पा निकाला है। उसके बाद से गुड का कोड हमने क्या निकाला, सा। इतना देखिए, इतना मैंने निकाल चुका हूँ। डू का पा सा, डू का पा सा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, डू का पा सा। अब क्वेश्चन पूछा एक और, यू आर फाइन का कोड क्या होगा, यू आर फाइन का कोड क्या होगा। देखिए यू का कोड आपने क्या निकाला है, यू का कोड आपने का निकाला है। उसके बाद से आर का कोड आपने क्या निकाला है, रे निकाला है। उसके बाद से फाइन का कोड क्या निकाला है, डू निकाला है। देखिए किस विकल्प में, कारे डू, घारे डू, किसी में है, किसी में नहीं है, ना पहला में है, ना दूसरा में है, ना तीसरा में है। तो इसमें से हमारा उत्तर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आइए हम अगला कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसको आप जरूर समझ में आ जाएगा। उसी कोई भी आपको वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, किसी प्रकार का आपका इसमें डाउट नहीं रहेगा, मिक्स कोडिंग से लेकर। आइए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या दिया है, निर्देश में दिया है कि किसी निश्चित कोड में 1 3 4 का अर्थ है तुम अच्छे हो। उसके बाद से 7 5 8 का अर्थ है वे घर जाते हैं, 8 6 9 का अर्थ है हम घर हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि वे का कोड क्या होगा, घर का कोड क्या होगा, अच्छे का कोड क्या होगा। एकदम आसान तरीका है, बस पहले जैसे मैं सॉल्व कर रहा था, कॉमन खोज रहा था, इसमें भी आप कॉमन खोजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया है, दिया है हम लोगों को कि क्या दिया है, 1 1 3 4 का अर्थ है, 1 3 4 का अर्थ है तुम अच्छे हो, 1 3 4 का अर्थ है तुम अच्छे हो। उसके बाद से 7 5 8 का अर्थ है वे घर जाते हैं, उसके बाद से 8 6 9 का अर्थ है हम घर जाते हैं। देखिए पहले कॉमन खोजिए, कॉमन खोजिए, देख रहे हैं घर इसमें भी है, ऊपर दूसरे सेंटेंस में है, घर नीचे सेंटेंस में है ना, ऊपर नीचे वाले में भी है, फिर से ऊपर वाले में भी, दूसरे और तीसरे। देखिए इसमें कौन सा काम, अंक ऊपर भी है नीचे भी है, देख रहे हैं 8 ऊपर भी है नीचे भी है, यानी हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, घर का कोड क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। हमने इतना इतना छाट दिया, अब यहाँ पर देखिए मैंने 8 निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए, और कुछ काम मिल रहा है, और तो हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है, 1 3 4 1 3 4। इसके बाद से पूछा घर का कोड हमको 8 मिल रहा, वे का कोड पूछा है, वे का कोड, कुछ और काम मिल रहा है, यहाँ पर कोई काम अभी नहीं दिख रहा है हम लोग को, हमें कोई काम नहीं दिख रहा है। देखिए वे का कोड हो सकता है हम लोगों को या तो 7 हो सकता है या 5 हो सकता है, और जाते का कोड हम लोगों को या तो 7 हो सकता है या 5 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं दिया है, इसलिए इसका कोड हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जब कॉमन नहीं दिया है तो उस स्थिति में हम लोग का क्या आता है, वे का कोड होगा, नहीं तो 7 होगा, नहीं तो 5 होगा। उसी तरह जाते का कोड हमको क्या है, नहीं तो 7 होगा, नहीं तो 5 होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए वे का घर का कोड 8 निकल गया, वे का कोड क्या निकल गया, नहीं तो 7 नहीं तो 5। वे का कोड हम लोग को क्या निकल गया, तो वे का कोड हम लोग को हो सकता है नहीं तो 7 नहीं तो 5। वे का कोड नहीं तो 7 या तो 5 हो सकता है। इसमें देखिए विकल्प वाले में जैसे भाई ऐसे नहीं दिया था, इसमें 4 विकल्प दिया है, ठीक है ना, और एक विकल्प हम लोग को दिया है कि आंकड़े अधूरे, इसका तो हमको वही उत्तर ऑप्शन से चलेंगे
तो हम लोग का इसका विकल्प क्या है, आंकड़े अधूरे हैं, नहीं तो हम लोग का क्या हो सकता है, नहीं तो 7 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। लेकिन घर का कोड क्या हो सकता है, तो घर का कोड 8 हो सकता है। उसके बाद सही अच्छे, तुम अच्छे हो, तो तुम अच्छे हो का कोड भी यहाँ पर हम लोग का 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प में हमको दिया है, जैसे कि पहला हमको विकल्प दिया 1, तीसरे विकल्प में दिया है 3, चौथे विकल्प में दिया है 4, और पांचवे में दिया है कि आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। पांचवे विकल्प में क्या, चौथे विकल्प में आंकड़े अधूरे हैं। देखिए अब यहाँ पर उठाइए इसको, इसमें 4 विकल्प दिया है, घर का कोड हमारा 8 निकल गया है, वे का कोड भी हम लोग क्या, नहीं तो 7 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। यहाँ देखिए तुम अच्छे हो, इसमें कोई कामन हमको नहीं दिख रहा है, मिक्स कोडिंग में कोई कामन नहीं दिख, तुम अच्छे हो 1 3 4 इसमें भी कोई कामन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोड निकालेंगे तो तुम का कोड हमारा क्या हो सकता है, तुम का कोड हमारा नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 4 हो सकता है। इसमें प्लेस मिक्स कोडिंग में पहले बता चलो किसी का प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं होता, ना ही उसका क्रम फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 का कोड तुम का कोड क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 4 होता है, यह निर्धारित नहीं है कि कौन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इन तीनों में से ही कोई एक होगा। उसी तरफ अच्छे, अच्छे का कोड क्या हो सकता है हम लोग का, तो अच्छे का भी कोड हो सकता है कौन सा, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 4। उसी तरह हो का भी कोड क्या हो सकता है, नहीं तो 1, नहीं तो 3, नहीं तो 4, यानी आप हम कास्ट कर सकते हैं। एक विकल्प दिया है, पहला विकल्प दिया 1, दूसरा विकल्प 3, तीसरा 4, और तीसरा उसके बाद चौथा में क्या दिया, आंकड़े अधूरे हैं। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इसको ऑप्शन से सॉल्व की जगह हम क्या मिलेगा, हमको आंकड़े अधूरे हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा इस एग्जाम्पल में, तो अगला एग्जाम्पल इसी टाइप से मैं एक और ले रहा हूँ, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी समझ में आया होगा तो अगले में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है, किस निश्चित कोड में हाउ मेनी अल्फाबेट को लिखा जाता है 3 9 5, मेनी टू रीड को लिखा जाता है 5 2 4, रीड द अल्फाबेट को लिखा जाता है 3 2 3 8। इतना दे चुका है, पूछा है कि 2 का कोड क्या होगा, 8 का कोड क्या होगा, उसके बाद से रीड हाउ का कोड क्या होगा, यही 3 क्वेश्चन पूछा है, और एक और क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं उसको लिख दे रहा हूँ। पहले आप क्या कीजिए, शुरू से मिक्स कोडिंग में आप क्या कीजिए, कामन पहले खोजिए, देखिए कहाँ कहाँ कामन मिल रहा है, देखिए हाउ मेनी अल्फाबेट, अल्फाबेट कहीं और है, देखिए हाउ कभी कहीं है नहीं है, मेनी देखिए यहाँ पर, मेनी इसमें भी है, पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे सेंटेंस में है, पहले जो कामन है उसको लिख लीजिए, मेनी 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 का कोड हमारा क्या मिल गया, मेनी मेनी, देखिए कहाँ दोनों में है 5 5, मेनी का कोड क्या मिल गया 5, क्यों 5 हो गया, क्योंकि मेनी भी दोनों सेंटेंस में है, 5 भी दोनों सेंटेंस में है, इसलिए मैंने 5 लिख लिया। अब ध्यान दिए अल्फाबेट, देखिए यहाँ अल्फाबेट यहाँ पर भी है, अल्फाबेट यहाँ पर, अल्फाबेट अल्फाबेट अल्फाबेट, देखिए अल्फाबेट अल्फाबेट, देखिए कौन सा काम अल्फाबेट अल्फाबेट, देखिए 3 इसमें पहले सेंटेंस में भी है, तीसरे सेंटेंस में भी है, तो अल्फाबेट इस पर हमने क्या लिखा 3 यहाँ पर लिख लिया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, अल्फाबेट। अब ध्यान दीजिए अल्फाबेट 3 3 3 मिल गया। अब यहाँ से उठाइए कुछ और अल्फाबेट अल्फाबेट, मेनी 5 अल्फाबेट 3, अब कुछ और मिल रहा है हमको कामन, अब हमको कोई कामन नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए अब एक एक उठाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेनी मिल गया, अल्फाबेट मिल गया, दोनों का हमने कामन, दोनों का हमने कोड निकाल लिया, और बचा कितना है हाउ, यहाँ पर हम लोग का 5 भी मिल चुका है, 3 भी मिल चुका है, तो अब बचा इसमें हमको कौन से है, नॉन है, यहाँ पर हाउ बचा है, यानी हम कह सकते हैं कि हाउ का कोड क्या होगा, तो हाउ का कोड 9 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी हाउ एक ही बचा था, इसमें भी एक बचा है, 9 बचा है, इसलिए यहाँ पर हाउ का कोड हमारा क्या 9 मिल गया, तीनों का कोड मिल गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ और काम, हाँ रीड 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 रीड, यहाँ पर देखिए रीड
रीड। तो देखिए यहाँ पर रीड 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 ये दिया है रीड रीड। तो यहाँ देखिए रीड रीड, देखिए इसमें भी कॉमन काउंस मिला है, दो 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 दो, रीड का कूट दो मिल गया ना रीड रीड। और बच्चा देखिए कौन कौन, इसमें बचा है हमको टू, और इसमें कौन सा बचा है हम लोगों का, इसमें हम लोग बचा है चार, यानी टू का कोड क्या हो सकता है, टू का कोड हो जाएगा चार। अब यहाँ पे देखिए इसमें बचा है रीड अल्फाबेट, यानी दो किसका कोड है, दो तेरी का कोड है, क्या कोड, तेरी का कोड, दो किसका कोड है, तेरी का, हर एक का कोड हमने निकाल दिया। अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे, इतना कोड आप निकाल लिए हैं तो हर एक को हम क्वेश्चन कर ले जाइएगा, कोई क्वेश्चन आपको गलत होने का चांस नहीं है, बस इतना निकालने का आपको ढंग होना चाहिए। जैसे मैंने कैसे मैनी का कोड पाँच लिख दिया, मैनी का कोड मैंने पाँच किस लिए लिख दिया, क्योंकि मैनी मैंने सबसे पहले मिक्स कोडिंग में कॉमन खोले, यहाँ पर भी हमको मैनी कॉमन मिल गया, यहाँ पर भी दोनों में सेंटेंस में मैनी मिल गया ना। देखिए अब दोनों सेंटेंस में पहला और दूसरा में कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी पाँच है इसमें भी पाँच है, तो मैनी का कोड हमारा क्या लिखा पाँच हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फाबेट उठाइए, अल्फाबेट यहाँ पर भी है, अल्फाबेट पहले में भी है तीसरे में भी है, देखिए कौन सा अंक जो पहले में भी है तीसरे में भी है, देख रहे हैं तीन पहले में भी है तीसरे में भी है, तो अल्फाबेट का कोड क्या है तीन हो गया। अब उठाइए, अब यहाँ पर उठाइए रीड, देखिए रीड इसमें भी है दूसरे में भी है तीसरे में भी है, तो अब आप ध्यान दीजिए देखिए कि रीड अब किस में मिल रहा है हमको, तो देखिए रीड हमको यहाँ पे देखिए रीड रीड इसमें देखिए कौन सा अंक है जो दोनों में है, दो दो, दूसरे में भी है तीसरे में भी है, तो अब यहाँ पे देखिए यानी रीड का कोड क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। अब क्या बचा, अब जो बच गया वही लिख दिया होगा, जैसे यहाँ पर हाउ हाउ बचा था, हाउ का कोड नौ हो गया होगा, टू का कोड क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, दो का कोड तीन हो गया, तीन बच, दो का कोड तीन, हाँ तीन, तीन कैसे होगा, दो का कोड आठ होगा ना, तीन का कोड क्या होगा आठ होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, टू का कोड बताइए, तो टू का कोड क्या होगा चार, दे दिए ना चार इसमें है मार दीजिए। अब क्या पूछा, आठ का कोड बताइए, आठ किसका कोड है, दो का, मार दीजिए। उसके बाद क्या हाउ रीड का, रीड हाउ का कोड पूछा है, तो रीड का कोड कितना है, देखिए रीड का कोड दो, हाउ का कोड कितना है, तो हाउ का कोड हम लोग का देखिए कल क्या है नौ, उनतीस विकल्प में है, देख रहे हैं ना विकल्प में है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था, पूछा था कि बयासी का कोड के बताइए, बयासी किसका कोड है, एक इसी क्वेश्चन में है कि बयासी किसका कोड है, तो देखिए आठ किसका कोड है, आठ दो का कोड है, दो किसका कोड है रीड का, तो द रीड का कोड क्या होगा बयासी। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा था कि बयासी किसका कोड है, किसका कोड है, तो आठ देखिए किसका कोड है, तो आठ हम लोगों का दो का कोड है, दो किसका कोड है, तो दो रीड का, तो यानी बयासी किसका कीड है, तो कोड है तो दो रीड का कोड है बयासी। आशा करते हैं कि यह एग्जांपल आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान लगा कर पढ़ लीजिए, कोई भी आपको इस मिक्स कोडिंग में आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कीजिए वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल को, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या दिया है। किसी निश्चित कोड में, किसी निश्चित कोड में रोज इज ब्यूटीफुल को डॉलर हैच वन लिखा जाता है, ब्यूटीफुल इज प्लीजर को वन स्टार हैच लिखा जाता है, ब्यूटीफुल टेलिंग साइट को 152 लिखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, ब्यूटीफुल इज टेलिंग का कोड क्या होगा, प्लीजर का कोड क्या, यही सब क्वेश्चन पूछा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, मिक्स कोडिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉमन खोजिए,
जब आपको कॉमन मिल गया तो समझ जाइए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो क्या दिया है यहाँ पर, रोज इज ब्यूटीफुल, रोज इज यही दिया है, रोज इज ब्यूटी कोड क्या दिया है, डॉलर दिया है, एच दिया है, वन दिया है, उसके बाद से क्या दिया है, ब्यूटी फुल इज नेचर का कोड दिया है वन स्टार एच, उसके बाद से ब्यूटी फुल इज ब्यूटीफुल टेलिंग साइड का, टेलिंग साइड का कोड दिया है 152। देखिए पहले आप कॉमन खोजिए, कॉमन आपने खोज लिया क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कॉमन नहीं खोज पाए तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा। एक बार आप कॉमन खोज लें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा बस आपको बेसिक जानकारी चाहिए, कुछ नहीं करना है। क्या दिया रोज इज ब्यूटीफुल का कोड क्या दिया, डॉलर हैच वन, उसके बाद ब्यूटीफुल इज प्लीजर का कोड क्या दिया, वन स्टार हैच, ब्यूटीफुल टेलिंग का कोड क्या दिया, 152। देखिए ब्यूटीफुल देख रहे हैं तीनों में कॉमन दिख रहा है, पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे सेंटेंस में भी है, तीसरे सेंटेंस। अब आपको खोजना है कौन सा ऐसा अंक है या चिन्ह है जो तीनों में है, एक यहाँ पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, वन हो सकता है। क्यों कह सकते हैं, ब्यूटीफुल तीनों सेंटेंस में है, एक भी तीनों सेंटेंस में, समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए कितना में कह सकता है, उसके बाद से देखिए इज देख रहे हैं इसमें पहले में भी है दूसरे में भी, तो कौन सा ऐसा चिन्ह है जो पहले और दूसरे दोनों में है, देख रहे हैं यहाँ पर हैच पहले में भी है दूसरे में भी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इज का कोड हैच लिख सकते हैं। अब उठाइए यहाँ से इज का कोड हम क्या लिख सकते हैं, हैच लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ से रोज इज ब्यूटीफुल इज का कोड हैच हैच। अब देखिए यहाँ से हमको अब हमसे कोई कॉमन शायद नहीं मिला है, हमको यहाँ से ब्यूटीफुल मिल गया ना, यहाँ से देखिए इज भी मिल गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने वन भी ले लिया है, हच भी ले लिया, देख रहे हैं ना इज ब्यूटीफुल, इज का कोड हमारा क्या मिल गया, हच मिल गया, ब्यूटीफुल का कोड वन मिल गया। अब ध्यान दीजिए हैच वन निकल गया, बचा हमको कौन सा, डॉलर, यानी हम कह सकते हैं इधर क्या बचा है, रोज, यानी हम कह सकते हैं कि रोज का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि है दो ठो कॉमन हो गया, कॉमन हमने मिलकर इनका कोड कर लिया, तो जो बचा है यहाँ पर वही, और यहाँ पर जो बचा है वही उसका कोड होगा, तो यानी रोज का कोड हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। अब उठाइए यहाँ से देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल निकल गया, इज निकल गया, बचा क्या है, प्लीजर, यहाँ से मैंने वन निकाल लिया है, हैच निकाल लिया, यानी हम कह सकते हैं कि प्लीजर का कोड क्या होगा, प्लीजर का कोड हमारा यहाँ पर स्टार होगा, प्लीजर का कोड क्या होगा, स्टार होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बच रहा है टेलिंग साइड, टेलिंग और साइड, तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या बच रहा है, हम लोग का पाँच और दो बच रहा है, तो टेलिंग का कोड हमारा नहीं तो पाँच हो सकता है, नहीं तो दो हो सकता है, साइड का कोड हमारा क्या हो सकता है, साइड का कोड नहीं तो हमारा पाँच हो सकता है, नहीं तो दो हो सकता है, यही हो सकता है। अब इसमें कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि दो ही होगा कि पाँच ही होगा, यही होगा जो बचा होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है पहला में हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, तो ब्यूटीफुल का कोड मैंने क्या लिखा, वन, यहाँ पर विकल्प में भी वन है, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद पूछा है ब्यूटीफुल इज टेलिंग का कोड पूछा है, तो ब्यूटीफुल इज टेलिंग का कोड, ब्यूटीफुल इज टेलिंग का कोड पूछा है, तो ब्यूटीफुल का कोड हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इज का कोड क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। उसके बाद से देखिए टेलिंग का कोड हमने क्या किया, टेलिंग का कोड नहीं तो हमारा पाँच हो सकता है, नहीं तो दो हो सकता है,
दो कैसे होगा, इज का कोड हमारा क्या है, हैच होगा, इज का कोड हैच, तो हमारा क्या होगा टेलिंग का कोड क्या देगा, नहीं तो 5 हो सकता है नहीं तो 2 हो सकता है। देखिए ऐसा कोई सी विकल्प में दिया है 1 हैच 5 या 2, किसी में नहीं दिया 1 दिया हैच दिया 2 दिया, 1 दिया है हैच दिया है 5 दिया, डॉलर दिया है हैच दिया है स्टार दिया है, डॉलर दिया है हैच दिया है स्टार दिया है। उसके बाद देखिए उसके बाद दिया है कैन नॉट डिटरमाइन, CND का मतलब हुआ कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसके बाद नॉट दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 हमको विकल्प दिया है, देख रहे हैं ना, और यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो सकता है, इसमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा असली जो हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने क्या लाया है, सॉल्व करके हमने लाया है 1 हैच यानी 5 या 2, ऐसा दिया रहता तो कोई हो सकता, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं दिया, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं नॉट लिख सकते हैं कि हमारा इनमें से कोई नहीं उत्तर है, इन 1 2 3 तीनों में से इसमें से कोई नहीं उत्तर है। इसका ब्यूटी फूजिस टेलिंग का कोड। अब हमसे पूछा है एक और क्वेश्चन प्लीजर का कोड क्या है, प्लीजर का कोड हमारा देखिए क्या है, स्टार निकाला, स्टार किसने विकल्प दिया है, नहीं दिया, इसका भी नॉट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए एक और यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, CND का मतलब हुआ कि कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसका निर्धारण नहीं कर सकते, और उसके बाद से दिया है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्यों मारा कि इनमें से कोई नॉट ही, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इतना ये सब क्वेश्चन में दिया है, और उसके बाद से हमने मार दिया, इसमें नहीं दिया था तो मार दिया इनमें से कोई नहीं। अगर यही होता कि इनमें से इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो निर्धारण हम कब नहीं कर सकते हैं, जब है चारों विकल्प में ऐसा दिया होता है जो स्टेटमेंट में ही नहीं दिया रहता, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसका निर्धारित नहीं कर सकते, वहाँ पर CND मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या उत्तर हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ क्या, देखिए इसमें अब क्वेश्चन नहीं बता, अब इसमें सब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि दिया है ब्यूटीफुल मैगजीन का कोड क्या होगा, ब्यूटीफुल मैगजीन यही दिया है कि ब्यूटीफुल मैगजीन का कोड क्या होगा, का कोड क्या होगा, ब्यूटीफुल मैगजीन का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल का कोड हमने क्या निकाला, 1 निकाला है, लेकिन मैगजीन इसमें दिया है, मैगजीन दिया ही नहीं है, इसमें सेंटेंस में कोई दिया है, कोई नहीं दिया, तो इसलिए हम इसका उत्तर क्या दें, इसमें एक विकल्प दिया हो कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि इसमें मैगजीन शब्द का कोड पूछा और कहीं हमको सेंटेंस में मैगजीन दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा CND। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोग को। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, आपको वादा है वीडियो को पूरा देखिएगा, मिक्स कोडिंग से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, बस रेगुलर वे में हमारे वीडियो देखते रहिए, देखिएगा एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से लेकर। आइए हम इस एग्जांपल को देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि किस निश्चित कोड में आई वाज लेट को लिखा जाता है 5 3 4, हु इज लेट को 1 2 3, हु वाज देयर को लिखा जाता है 8 2 5। तो क्वेश्चन पूछा है 3 का कोड क्या होगा, हु का कोड क्या होगा, आई का कोड क्या होगा, 5 का कोड क्या होगा, कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया है कि देयर इज का कोड क्या होगा, अभी उसको मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं था। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, मिक्स कोडिंग है, सबसे पहले आप कॉमन खोजिए, कॉमन खोजना सीख गए, क्वेश्चन करना सीख गए। देखिए यहाँ से कोई कॉमन निकल रहा मिल रहा है, लेट लेट पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे सेंटेंस यहाँ पर लिख लीजिए लेट, कौन सा अंक दोनों में आपको दिख रहा है सेम, 3 भी 3 3 3 3, तो लेट का कोड हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से उठाइए, लेट का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से उठाइए वाज 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 वाज,
पहले में है तीसरे में, देखिए कौन सा पहले में तीसरे में, पांच 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 पांच। अब उठाइए यहाँ से, वाज वाज हो गया, अब उठाइए हु, पहले में है दूसरे में भी है तीसरे में भी, कौन सा अंक दूसरे और तीसरे दोनों में है, दूसरे और तीसरे में दो दो। अब उठाइए यहाँ से, मिल रहा है कोई और मिल रहेगा क्या 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 क्या, आपको ही नहीं मिल रहा है, मिल गया देखिए, वाज लेट निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग का आई बचा है ना, तो आई यहाँ पर चार बचा, तो आई का कोड क्या करें चार हो जाए, यहाँ पर हु लेट निकल गया तो इज बचा, तो इज का कोड हमारा क्या है यहाँ कौन बचा है, एक हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हु वाज देयर, हु कर गया वाइज कर गया देयर, देयर का कोड हमारा क्या होगा आठ होगा, आठ। अब हमसे क्वेश्चन कोई भी इतना आप लिख लिए, कोई क्वेश्चन होगा बना लीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पर, तीन का कोड क्या होगा, तीन किसका कोड है लेट का, लेट दिया है हमारा उत्तर का लेट हो जाएगा। हु का कोड क्या होगा, हु का कोड क्या होगा दो, किसका दिया हु का कोड दो, हु का कोड क्या होगा तो दो होगा, हु का कोड क्या होगा दो होगा, मिल गया यहाँ पर दो। अब यहाँ पर उठाइए, आई का कोड क्या होगा, आई किसका कोड है चार का, आई का कोड किसका हो गया चार होगा। अब यहाँ से उठाइए, आई का कोड चार मिल गया। अब उठाइए पांच का कोड क्या होगा, पांच किसका कोड है पांच, वाज का कोड है, पांच का कोड क्या है वाज हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ था शायद देयर इज का कोड पूछा था, हाँ देयर, देयर इज का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, देयर इज का कोड क्या होगा, देयर इज का कोड क्या होगा। यहाँ से देखिए देयर का कोड क्या होगा, हम लोग को मिला है आठ, इज का कोड क्या मिला है हम लोग का एक, देयर इज का कोड हमारा क्या होगा नहीं तो इक्यासी होगा और नहीं तो क्या होगा अठारह होगा, यही दोनों में से एक हो सकता है, क्यों नहीं तो इक्यासी होगा नहीं तो अठारह होगा, क्योंकि मिक्स कोडिंग में प्लेस फिक्स नहीं रहता है, इसलिए हमारा नहीं तो अठारह हो सकता है नहीं तो इक्यासी होगा, यही दो में से कोई एक हो सकता है। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। आज यहीं पर क्लास बंद करते हैं, जय हिंद साथी, फिर से मिला जाएगा अगले वीडियो में।